नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जब आपको सपोर्ट करने वाला इंसान संस्थान का बॉस बन जाए तो समझो बल्ले बल्ले। आज गांगुली भारतीय क्रिकेट के बॉस बन गए तो उनके अंडर खेले हुए खिलाड़ी अपनी परेशानी अपनी मांगों को खुलकर सामने रख रहे हैं। दरअसल भज्जी और यूवी दोनों ने गांगुली की कप्तानी में अपने करियर को उड़ान दी, टीम को जीत दिलाई, कई बड़े मुकाम हासिल किए, तो गांगुली ने भी अपने इन दोनों चैंपियन खिलाड़ियों को खूब सपोर्ट किया था। ये कहने वाली बात नहीं है, इसे सब जानते हैं। अब जब गांगुली बीसीसीआई के बॉस बन गए हैं तो इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने कप्तान के सामने अपनी परेशानी भी रख दी। दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में क्रिकेट से ज्यादा बारिश की बातें हुई। अधिकतर टीमों के मुकाबलों में बारिश ने खेल खराब कर दिया, यहां तक कि क्वार्टर फाइनल में पंजाब और मुंबई को बाहर होना पड़ा, जो सेमीफाइनल की होड़ में सबसे आगे नजर आ रही थी। इसे लेकर युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने भी बीसीसीआई के नियम पर सवाल उठाए थे। दोनों ने नॉकआउट मुकाबलों में रिजर्व डे की जरूरत पर जोर दिया था। अब चेले सवाल करे और गुरु जवाब न दे, ये कैसे हो सकता है? तो गांगुली ने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। गांगुली ने कहा, जब विजय हजारे ट्रॉफी शुरू हो रही थी तब सभी राज्य क्रिकेट संघों को इससे संबंधित नियम भेजे जा चुके थे। हम इस बारे में विचार करेंगे और नियमों को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। मौजूदा नियम के हिसाब से जो टीमें अधिक मैच जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि लीग चरण में आपके प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। ऐसे में इस नियम को पूरी तरह गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल महत्वपूर्ण दौर होता है। ऐसे में इनके लिए रिजर्व डे रखने की बात व्यावहारिक है, ये एक विकल्प हो सकता है। आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद पंजाब के कप्तान मनदीप सिंह ने बीसीसीआई के नियमों पर सवाल उठाए थे। बीसीसीआई ने भले ही लीग चरण के मैचों को रिशेड्यूल किया था, लेकिन अगर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के बीच जो एक दिन का गैप था तो उसे रिजर्व डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। खैर, देखना होगा कि क्या गांगुली इसे लेकर कोई नियम बनाते हैं।